उदयपुर की गोवर्धन विलास पुलिस और गुंज संस्थान की ओर से स्कूली बालिकाओं को बांटे गए किट व सैनिटरी पैड। उदयपुर में कार्यरत गुंज संस्थान और गोवर्धन विलास पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी पैड व किट वितरण किया गया। सुदूर ग्रामीण एरिया में रहने वाली बालिकाएं को लंबे समय से लॉकडाउन लगा होने की वजह से उन्हें सामग्री नहीं मिल पा रही थी। इसको देखते हुए डिप्टी प्रेम धंधे, थानाधिकारी चेनाराम बचार और गुंज संस्थान ने संयुक्त तत्वावधान में इन्हें सामग्री वितरण करने का प्रोग्राम बनाया। इससे पूर्व भी गुंज संस्थान और गोवर्धन विलास टीम द्वारा बालिकाओं को सैनिटरी पैड और किट वितरित किए गए थे। अब दोबारा जो बालिकाएं रह गई थी उन्हें भी गुंज संस्थान और गोवर्धन विलास पुलिस की टीम के सहयोग से किट और सैनिटरी पैड बांटे गए। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन लगने के बाद में स्कूलें वगैरह बंद हो गई थी। आदिवासी अंचल की स्कूलों में पहले सैनिटरी नैपकिन किट मिला करते थे जिसे बालिकाएं काम में लेती थी। इस लॉकडाउन के दौरान में स्कूलें बंद होने से ये नैपकिन किट वगैरह नहीं मिल रहे थे। इनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त होने पर श्रीमान एसपी साहब को इन बालिकाओं की समस्या से अवगत कराया गया और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार एनजीओ से संपर्क करके और इन बालिकाओं के लिए नैपकिन किट देने हेतु आग्रह किया गया। गुण संस्था से संपर्क किया गया और प्रथम चरण में खजूरी जो दूर दराज का आदिवासी अंचल इलाका है, काया, बारापाल, इन स्कूलों में 160 बालिकाओं को सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें बालिकाओं को नैपकिन किट वितरण किए गए जिसमें समस्त सामग्री जो 12 महीने तक यूज हो सकती है, सूट, साड़ी, दरी, थैला, साबुन, मास्क, ये इत्यादि प्रथम चरण में दिए गए थे। इसी दौरान इसमें जो वंचित बालिकाएं थी और अभी भी स्कूल बंद है उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी। दोबारा गुण संस्था से संपर्क किया गया और इसमें उस दूरदराज की जो आदिवासी अंचल की विधवा महिलाएं हैं और दूसरी निडी महिलाएं हैं उनके भी ऐसी सरकारी जो सहायता पहले मिल रही थी वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई थी, तो उनको भी जोड़ते हुए ये द्वितीय चरण में आज 600 नैपकिन किट गुण संस्था के सहयोग से वितरित किए गए। इसके अलावा मास्क और साबुन का वितरण भी किया गया। इसमें स्कूली जो बैग है उसका वितरण भी किया गया। छात्राओं को कोरोना वायरस के बारे में कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई। मास्क का यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हाथ साबुन से धोना चाहिए बार बार, ये समस्त प्रकार की जानकारी दी गई। इसमें श्रीमान सीओ साहब श्रीमती प्रेम जी दंडे उपस्थित रहे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भी बालिकाओं से समस्या पूछी और उन समस्याओं का निराकरण किया गया।